चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। यूपी 50 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद। वर्तमान में राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, 8 तहसीलों के साथ राज्य में प्रयागराज के साथ सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद, राज्य के 75 जनपदों में एक एवं राज्य के 18 मंडलों में एक आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय, तमसा नदी के तट पर बसा पूर्वी उत्तर प्रदेश का 14वां सबसे बड़ा शहर आजमगढ़। उत्तर में गोरखपुर से दोहरी घाट होकर आने वाली सड़क, शहर में प्रवेश करने के पश्चात आजाद पार्क हर्रा की चुंगी पर पहुंचती है। यहां से शहर की ओर दो मुख्य सड़कें बाएं हाथ की ओर बाज बहादुर की ओर एवं दाएं हाथ की ओर सिवली चौराहा की ओर प्रवेश करती है। कुछ आगे बढ़ने पर सड़क एक और चौराहा पॉलिटेक्निक चौराहे से गुजरती है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पश्चिम की ओर लाला लाजपत राय मार्ग बिलरियागंज की चुंगी से जोड़ती है। मुख्य सड़क पॉलिटेक्निक चौराहा से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। यह क्षेत्र शहर में मुकेरीगंज के रूप में जाना जाता है। आजमगढ़ शहर की स्थापना मुगल साम्राज्य में विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र नवाब आजम शाह ने 1665 में की थी। दक्षिण में बढ़ते हुए मुकेरीगंज तिराहा दिखाई पड़ता है। इस महत्वपूर्ण तिराहे से उत्तर में एक मुख्य सड़क बिलरियागंज मार्ग प्रारंभ होता है। यह सड़क बिलरियागंज की चुंगी से होते हुए उत्तर की ओर बिलरियागंज की ओर प्रस्थान कर जाती है। मुख्य सड़क मुकेरीगंज तिराहा से दक्षिण की ओर शिवली चौराहा की ओर बढ़ जाती है। यह क्षेत्र मुकेरीगंज के रूप में ही जाना जाता है। इस मार्ग पर शहर का मुरली डीडीप्लेक्स सिनेमाघर का परिसर भी स्थित है। दक्षिण में बढ़ते हुए सड़क शिवली चौराहा पर पहुंचती है। यह शहर के महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। शिवली चौराहा से पश्चिम की ओर एक मुख्य सड़क शिवली कॉलेज रोड के रूप में जानी जाती है। इस मार्ग पर 1883 में स्थापित शहर का शिवली नेशनल इंटर कॉलेज एवं शिवली नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परिसर स्थित है। शिवली कॉलेज मार्ग पश्चिम की ओर टांडा एवं अकबरपुर से जोड़ता है। आजमगढ़ नगर पालिका एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर आजमगढ़ शहर में वर्तमान में लगभग 155,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश का 14वां एवं आजमगढ़ मंडल में मऊ के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शिवली चौराहे से दक्षिण की ओर मुख्य सड़क मुख्य बाजार क्षेत्र की ओर प्रवेश कर जाती है। यह क्षेत्र तकिया पहाड़पुर के रूप में पहचाना जाता है। आजमगढ़ क्षेत्र मुगल शासन में जौनपुर सूबे में सम्मिलित था। आजमगढ़ 1801 में अंग्रेजों के अधिकार में आया। तब इसे ब्रिटिश सरकार ने जनपद घोषित किया। उस समय मऊ, मोहम्मदाबाद, घोसी आदि भी आजमगढ़ जनपद का ही भाग थे। 1857 की क्रांति में आजमगढ़ के वीर सपूतों का अतुलनीय योगदान रहा। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए आसिफगंज क्षेत्र में पुरानी कोतवाली चौराहा से गुजरती है। यहां से पूर्व की ओर आसिफगंज स्थित है। यहां से दक्षिण की ओर बाजार चौक के रूप में जाना जाता है। सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐतिहासिक इमारतें एवं सुंदर भवन आजमगढ़ के ऐतिहासिक एवं आधुनिक वर्चस्व को दर्शाते हैं। देश की आजादी के पश्चात आजमगढ़ तेजी से विकसित हुआ। इसके विशाल भूभाग को देखते हुए 1988 में जिले के पूर्वी भाग को विभाजित कर मऊ जनपद की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हुए सड़क चौराहा चौक पर पहुंचती है। चौराहा चौक से पूर्व में सड़क बिहारी जी मंदिर की ओर एवं पश्चिम में सड़क कटरा जामा मस्जिद की ओर जाती है। बाजार चौक यहां से दक्षिण की ओर बढ़ जाता है। यह क्षेत्र बाजार में कुर्मी टोला के रूप में जाना जाता है। 1994 में आजमगढ़, मऊ एवं बलिया जनपदों को जोड़कर आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जनपद वर्तमान में 8 तहसीलों में विभाजित है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने हेतु कुल 22 विकासखंड क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। जनपद की 54 लाख की विशाल जनसंख्या को 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। आजमगढ़ जनपद में कुल 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
आजमगढ़ एवं लालगंज हैं। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए शहर के मातवरगंज क्षेत्र से होते हुए कोतवाली शहर परिसर से होकर गुजरता है। शहर कोतवाली से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सड़क कुछ ही दूरी पर स्थित नगर पालिका चौराहा पर पहुंचती है। यह शहर के महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। चौराहे से पूर्व की सड़क पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की ओर, दक्षिण पूर्व की सड़क जिलाधिकारी कार्यालय तहसील की ओर एवं दक्षिण की ओर सड़क सिविल लाइंस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। सिविल लाइंस आजमगढ़ शहर के आधुनिक क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। सड़क के दोनों ओर अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम एवं सुंदर भवन स्थापित हैं। आजमगढ़ जनपद में जनमानस को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु संपूर्ण जनपद को कुल 25 थाना कोतवाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। साथ ही यहां एक महिला थाना भी स्थापित किया गया है। दक्षिण में बढ़ते हुए सड़क सिविल लाइंस घंटाघर चौराहा पर पहुंचती है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पूर्व में रिजर्व पुलिस लाइंस एवं पश्चिम में बस स्टैंड रोड स्थित है। दक्षिण की सड़क जिला न्यायालय की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही दूरी पर सड़क कचहरी चौराहा पर पहुंचती है। यहां जिला न्यायालय का परिसर एवं होली ट्रिनिटी चर्च आदि स्थित हैं। कचहरी चौराहे से दक्षिण की सड़क तमसा नदी को पार कर नरौली चौराहा की ओर जोड़ती है। घंटाघर से पश्चिम की सड़क बस स्टैंड रोड के रूप में जानी जाती है। इस मार्ग पर शहर का रोडवेज बस स्टैंड स्थित है। आजमगढ़ में दो रोडवेज डिपो, आजमगढ़ डिपो एवं डॉक्टर अंबेडकर डिपो स्थित हैं। आजमगढ़ से राज्य के अधिकांश मुख्य शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस स्टैंड से पश्चिम की ओर सड़क लाइफलाइन चौराहा पर पहुंचती है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से उत्तर की ओर बाईपास टांडा रोड से जोड़ता है। दक्षिण की ओर की सड़क नरौली चौराहा एवं पश्चिम की सड़क बनारस रोड के रूप में जानी जाती है। यह सड़क तमसा नदी के सेतु से होकर गुजरती है। दक्षिण की ओर घूमकर यह सड़क निजामाबाद तिराहा से होकर गुजरती है। यहां से पश्चिम की सड़क निजामाबाद की ओर प्रस्थान कर जाती है। बनारस मार्ग यहां से दक्षिण की ओर बढ़ जाता है एवं शहर के व्यस्त चौराहे हरवंशपुर चौराहा पर पहुंचता है। इस मुख्य चौराहे से पूर्व की ओर की सड़क नरौली चौराहा एवं सिधारी की ओर जाती है। बनारस मार्ग यहां से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। आजमगढ़ शहर को कुल दो थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली आजमगढ़ शहर एवं थाना सिधारी में विभाजित किया गया है। बनारस मार्ग दक्षिण पश्चिम में बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन मोड़ से गुजरता है। यहां से दक्षिण की ओर की सड़क कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से जोड़ती है। आजमगढ़ से होकर मऊ शाहगंज रेलमार्ग गुजरता है। यहां से कई मुख्य रेलगाड़ियां गुजरती हैं जो आवागमन में सुलभता प्रदान करती हैं। बनारस मार्ग रेलवे स्टेशन मोड़ से दक्षिण पश्चिम की ओर रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर शहर के बेलईसा क्षेत्र से गुजरते हुए जौनपुर, बनारस, प्रयागराज आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। शहर के पूर्व से मऊ की ओर से आने वाला राजमार्ग सिधारी क्षेत्र से होकर शहर में प्रवेश करता है। यह सड़क शहर के सिधारी में नया पुल से होकर उत्तर की ओर शारदा चौराहा पर जुड़ जाती है। शारदा चौराहा से उत्तर की ओर की सड़क मलाया, रैदोपुर आदि क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती है। यह सड़क शहर के डीएवी कॉलेज से होकर उत्तर में दलाल घाट, कोट, बाज बहादुर आदि क्षेत्रों से होकर गोरखपुर रोड पर हर्रा की चुंगी की ओर निकल जाती है। आजमगढ़ जैसे ऐतिहासिक शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आजमगढ़ पर बनाया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो आजमगढ़ शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।